कैश रिजर्व रेशियो, हिंदी में उसको कहा जाता है नकद आरक्षित अनुपात, वो ये रेशियो है कि जो हम बैंक में जमा करवाते हैं, जितना भी पैसा हम जमा करवाते हैं उसका कुछ प्रतिशत पैसा आरबीआई के लिए उसको डिपॉजिट रखना पड़ता है. सो इट इज द रेशियो ऑफ डिपॉजिट्स व्हिच बैंक्स हैव टू कीप विद आरबीआई. आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और बैंक्स डोंट अर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस अमाउंट. बैंक्स विल नॉट एक्सेस टू दिस अमाउंट और बैंक्स कैन नॉट लैंड दिस पोर्शन ऑफ मनी टू कॉरपोरेट और इंडिविजुअल बोरोवर्स. इसका मतलब यह है कि बैंक इस अमाउंट को किसी को भी नहीं दे सकता. अब इसका सिंपल एग्जाम्पल हम लेते हैं, वो मैं आपको समझाता हूं. अगर मैंने 100 रुपीज जमा करवाए हैं बैंक में, किसी भी बैंक में मैंने जमा करवाए, और आज का जो करंट रिजर्व रेशियो है CRR, इट्स मीन कैश रिजर्व रेशियो, जो करंट है वो 4% है. इसका मतलब है मैंने अगर 100 रुपीज बैंक में जमा करवाए हैं तो उसका 4 रुपया, 100 रुपीज का 4% मीन्स 4 रुपया पैसा जो है वो बैंक को रखना पड़ता है आरबीआई के नाम पर. वो आरबीआई का है, बैंक उसमें से 1 रुपया भी किसी को भी नहीं दे सकती. उसको सिर्फ मतलब है 96 रुपए से. अगर इसको कहीं पर इन्वेस्ट के लिए देने हैं या फिर किसी को लैंड करना है, बोरोवर को देना है, वो 96-96 रुपए को वो देगा. 4 रुपए को वो छू भी नहीं सकता. जिसे आपने सुना होगा कि आज जो है हाल ही में न्यूज़ में आया है कि जो हमारी जो डीमोनेटाइजेशन की जो मनी है जो जमा हुई है, इसका 100% CRR हो जाएगा. तो जैसे हम सोच रहे हैं कि हमारी होम लोन सस्ती होगी या फिर लोन जो है कोई भी जो भी लोन हमने ली है वो सस्ती होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. नथिंग विल हैपन. क्योंकि जितना भी मनी डीमोनेटाइजेशन की वजह से जमा होने वाला है वो पूरा का पूरा मनी आरबीआई को मिल जाएगा. अब इससे दूसरा क्या फायदा होता है? अगर CRR बढ़ता है तो क्या है, डिक्रीज होता है तो क्या है, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे. वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए धन्यवाद.